स्वागत है दोस्तों आपका अपने वी न्यूज़ चैनल में। मैं हाजिर हो चुका हूँ एक और नई वीडियो लेकर जो कि बीबीसी से रिलेटेड है। आप भी जानते हैं बीबीसी का नाम कहीं उल्टे पुल्टे काम में आता है, जो देश विरोधी कहीं गतियाँ मानी जाती है, पूरा देश उन पर नाराज रहता है। अभी भी अंग्रेजों का ही तो चैनल है आखिर। कई बार इन पे कहीं एजेंडा प्रोपेगेंडा की वीडियो को वायरल करने के लिए भी इन पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, और कभी आज तक उसने बीबीसी ने अपनी गलती मानी ही नहीं है। मतलब इसका रिकॉर्ड रहा है कि अपनी गलतियाँ कभी इंडिया के अगेंस्ट मानता ही नहीं है, खुल के पोस्ट करता है जो चाहे वो। जिसका नतीजा ये हुआ कि अभी भारत में पूरे करीब लाखों लोग इसके लिए बॉयकॉट बीबीसी, बैन बीबीसी, ये सब चीज़ें ट्रेंड करा रहे हैं। पूरा भारत देश रिसेंटली हुई हरकत से नाराज है। इस बारी बीबीसी ने कुछ ज़्यादा ही गंदी हरकत कर दी है, जिस कारण से पूरे देश का गुस्सा फूट पड़ा है बीबीसी के ऊपर, और ऐसी मांग उठने लगी है बैन कर दें बीबीसी को हमेशा के लिए, और करना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया। मैं बने रहिए आप मेरे साथ चैनल पे, मैं आपको इसकी पूरी खबर बताने वाला हूँ। तो आइए मैं आपको सुनाता हूँ एशिया नेटवर्क्स बिग डिबेट की कल या परसों के आई गेस जो शो हुआ था, जिसमें साइमन नाम के व्यक्ति ने हिस्सा लिया था। उन्होंने मोदी जी की मम्मी के ऊपर, यानी पीएम मोदी की माँ के ऊपर क्या टिप्पणी की थी वो आपको मैं सुनाता हूँ। तो आप भी सुन सकते हैं इस बंदे ने कितनी नीच हरकत कर दी है मोदी जी की माँ के ऊपर ये टिप्पणी करते हुए। तो अब बीबीसी को शर्म आनी चाहिए कि वो ऐसे बंदों को अपने शो पे बुलाते हैं, और इन्होंने अभी तक डिलीट नहीं किया था काफी टाइम तक, और इनको कर देना चाहिए था। चलिए एक साइड को मान लेते हैं कि इनको लैंग्वेज समझ नहीं है कि इन्होंने उसने पंजाबी में बोला क्या बोला, बट जब बॉयकॉट बीबीसी चला तब इनके आँख खुले और शायद इन्होंने डिलीट कर दिया। मैंने अभी एग्जैक्टली चेक नहीं किया है, वो मैं देखता हूँ अभी। ऐसी अभद्र और नीच भाषा का प्रयोग करना किसी देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के पीएम की माँ के ऊपर ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करना बड़ा ही निंदनीय और दुखनीय है। बीबीसी एशिया ने ये प्रोग्राम चलाया था जिसमें कि उन्होंने यूके में हो रहे सिखों के ऊपर जो नस्ल भेदी टिप्पणी है उसके ऊपर शो किया था। तब ये इस पूरे शो का रुख बदल के इन्होंने फार्म्स बिल पे ला दिया, और उस साइमन नाम के व्यक्ति ने जो कि वो सिख था क्योंकि उसने पंजाबी लैंग्वेज में गाली दी, पीएम मोदी के ऊपर ऐसी गंदी गालियां प्रयोग की। और ऐसे पहली बार ही नहीं हुआ है, हाल ही में अभी जो ये किसान का आंदोलन चल रहा है इसमें भी कई किसान जो बॉर्डर पर बैठे हैं उन्होंने भी कई बार टपकाने जैसे गंदे वर्ड, उल्टे वर्ड, जो इंदिरा गांधी के टाइम पे असैसिनेशन हुआ था उस टाइप के वर्ड का भी इस्तेमाल करते हुए दिखे हैं ये लोग। और ऐसी वीडियो को खूब बढ़ चढ़ के बढ़ावा दिया जा रहा है किसानों के बीच, सोशल मीडिया पर भरी पड़ी है, इनको लोग शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और उनके कमेंट सेक्शन में देंगे तो भी आपको यही देखने को मिलेगा जो दिखाता है कि उनकी क्या मानसिकता है, उनको क्या संस्कार मिले हैं। और अब मिलके कई लाखों भारतीयों का यही कहना है कि भारत सरकार को बीबीसी पर कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए। आपको क्या लगता है इस बारे में क्या करना चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली अपडेट के लिए बेल बटन दबाना ना भूलें। मैं डेली ऐसी वीडियो डालता हूँ।